चलो देखो अब ये सब जो क्वेश्चन दिया गया था इसको हम पूरा डॉट नहीं दिखाएंगे, गोला नहीं मारेंगे, हम सिर्फ बॉन्ड का तरीका बता देते हैं कि इस तरह से आप बॉन्ड बनाएंगे। जैसे सबसे पहला है CO2, CO2 में आप सेंटर में कार्बन को रखेंगे, एक ऑक्सीजन के साथ इधर भी डबल बॉन्ड बनेगा, दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बनेगा। और यदि आप लोन पेयर की बात करें तो कार्बन पर कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, लेकिन ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर होगा। बताइए जो बनाए हैं ऐसा आया है। अब इसमें जब आप हम यदि ऐसा कुछ करते तो वो डिटेल में होता, लेकिन अब आपसे उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि ये सब आप काम कर लेंगे। अब ये फूल पत्ती काटने वाला काम हमसे नहीं होगा उतना। इस तरह से ऐसे ही ना बॉन्ड का फॉर्मेशन किए होंगे आप, तो दो इलेक्ट्रॉन का शेडिंग हुआ तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अभी हम इसको कर दे रहे हैं, जो लोग नहीं बना पाए या जिनका गलत हो गया, हर पे जाके पहले आप ये वाला स्ट्रक्चर और बाद में फिर ये वाला स्ट्रक्चर बना लेंगे। हम इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग है, तो उस पर बिना मतलब का हम टाइम नहीं देंगे। हम ये काम कर दिए हैं तो आपको ये पता चल चुका है ना कि इसके साथ इसका दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है और इसके साथ भी इसका दो दो का शेयरिंग हुआ है। क्या इस चीज़ की मदद से आप ये नहीं कर सकते हैं? क्या डिटेल में बना दे क्या? तो पहला स्ट्रक्चर यही है NCl3 का, जो स्ट्रक्चर बनाए होंगे आप उसमें नाइट्रोजन बीच में रहा होगा, क्लोरीन इसके अगल बगल रहेगा, तभी क्लोरीन पर कितना लोन पेयर रहेगा, तभी क्लोरीन पर तीन तीन लोन पेयर रहेगा और नाइट्रोजन पर तो नहीं, एक लोन पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन होगा दो, पेयर में तो उसको हम एक ही ना बोलेंगे। देखो जो इलेक्ट आउटर मोस्ट सेल का वह इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है उसको हम जनरली पेयर में दिखाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में ही ना रहता है। तो हम लोग ये नहीं कहते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ कितना है, हम ये कहते हैं कि कितना पेयर बचा हुआ है, क्योंकि जनरली बचता किसमें है, पेयर में। जैसे आप यहाँ पर देखिए दो इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ दो, यहाँ एक बचा, यहाँ तीन बचा, यहाँ दो बचा, इस तरह से। अगला स्ट्रक्चर है CCl4, जो लोग नहीं बनाए हैं या जिनका गलत होता जा रहा है आप मिलाते जाइए या स्ट्रक्चर खींचते जाइए, घर पर जाके उसको फिर से अपडेट कर लीजिएगा कॉपी को। हाँ एक और चीज, लोन पेयर हम दें या ना दें, दें तब तो दिख रहा है कि लोन पेयर है, लेकिन यदि नहीं भी दें तो कोई परेशानी नहीं है। नहीं दें इसका मतलब ये नहीं कि लोन पेयर है नहीं, लोन पेयर अभी भी है उस पर, लेकिन नहीं दिए हैं तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्ट्रक्चर है CCl4, CCl4 में कार्बन बीच में रहेगा और चार क्लोरीन। आप ऐसे भी इसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं, सुनिए इधर, CCl4 में दो तरह का एलिमेंट है, एक है कार्बन और दूसरा है क्लोरीन। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में चार इलेक्ट्रॉन होता है तो डेफिनेटली ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए चार बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में सेवन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डेफिनेटली ये भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा तो एक बॉन्ड बनाएगा। तो क्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा। कार्बन अकेले चार बना दिया तो निश्चित है कि चार क्लोरीन आएगा, तब ना उसके साथ पूरे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएगा। तो यहाँ पर चार क्लोरीन बनाएगा बॉन्ड एक एक, तो इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यदि हम यहाँ पर लोन पेयर को दिखाना चाहें तो हर एक क्लोरीन पर कितना लोन पेयर होगा, तीन तीन। क्या कार्बन पर भी कोई लोन पेयर होगा? कार्बन पर कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा, समझे। अगला स्ट्रक्चर है CH2Cl2, इसी स्ट्रक्चर में थोड़ा करेक्शन कर दें, दो क्लोरीन को हटाइए, दो हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, यही हो गया CH2Cl2। हाइड्रोजन पर कभी भी लोन पेयर नहीं होता है। PCl3 एग्जैक्टली इसी में हम कुछ काम कर देंगे, ये NCl3 था, अभी ये NCl3 था, अभी PCl3 है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में भी पांच इलेक्ट्रॉन होता है और फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में भी पांच इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप इस N को हटा के सीधा P कर दीजिए तो एग्जैक्टली सेम फोटो बनेगा इसका, सेम स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। मिलाते जाइए, गलत होता जा रहा है तो दोबारा उतार लीजिए, यदि सही है तो फिर आगे बढ़िए।
HCN में बीच में किसको रखेंगे? और देखो इसमें हम कैसे सोचेंगे, ये सुनिए, कार्बन अकेला कितना बॉन्ड बनाएगा? चार। हाइड्रोजन नाइट्रोजन तीन, तीनों आपस में जुड़ेगा। तो हम किस कॉम्बिनेशन में रखें कि सारा का सारा एलिमेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले? कार्बन अकेला चार बनाएगा तो कार्बन को बीच में रख देते हैं और बाकी तीन और एक दोनों को उससे जोड़ेंगे तब ना चार पूरा होगा। इसका सीधा मतलब है कि कार्बन बीच में रहेगा, एक सिंगल बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन के साथ। कार्बन पर कभी लोन पेयर नहीं रहता है, हाइड्रोजन पर कभी लोन पेयर नहीं रहता है न्यूट्रल स्टेट में, नाइट्रोजन पर हमेशा लोन पेयर रहता है। कितनी संख्या में? एक। हम बार बार लोन पेयर बोलते हैं और आप दो बोल देते हैं, हम हमेशा पेयर की बात कर रहे हैं, आप उसको अकेला करके आइसोलेट करके बोल देते हैं। तो यही है HCN, CH3Cl, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें बीच में रहेगा कार्बन, तब चार बॉन्ड बनेगा, एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और तीन Cl, तीन Cl कहीं भी जोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ऊपर ही, कहीं भी जोड़ सकते हैं। और क्लोरीन पर हमेशा कितना लोन पेयर होगा? तीन। PH3 फॉस्फोरस के आउटरमोस्ट सेल में पांच इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये समझ हम कैसे लेते हैं कि पांच इलेक्ट्रॉन होगा बिना निकाले? आईवे ग्रुप का एलिमेंट है ये, पंद्रहवा ग्रुप का सब एलिमेंट में पांच पांच इलेक्ट्रॉन होता है, याद है नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार उसी से ना संबंधित है। तो फॉस्फोरस के आउटरमोस्ट सेल में पांच इलेक्ट्रॉन होगा तो डेफिनेटली ये तीन हाइड्रोजन के साथ तीन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं होगा, फास्फोरस पर एक लोन पेयर होगा, इसको फॉस्फीन गैस बोला जाता है। हो गया यहां तक। अब कुछ और एग्जांपल दिया जा रहा है, उसको आप डिटेल में बनाइएगा, जैसे हम अभी शॉर्टकट में चले हैं वैसे शॉर्टकट में आपको नहीं चलना है, सबका कॉपी चेक करेंगे फिर हम। चलो बनाओ तो OF2, दो स्ट्रक्चर बनाइए, एक OF2 और एक बनाइए O2F2, एक और H2O2, ये तीन कंपाउंड, पूरा डिटेल स्ट्रक्चर बनाइए। तो इलेक्ट्रॉन को डॉट में डाल के घेरिए, कैसे बनेगा बॉन्ड बनाइए। रेबो उस पर्दा को थोड़ा इधर खींचो, तो रे पीछे उस पर्दा को थोड़ा इधर खींचो तो जो गैप बना हुआ है। आ जाइए, जो ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उसको हमेशा बीच में रखेंगे, जो कम बनाएगा उसको साइड में।
हो गया लिखा हुआ, बन गया? नहीं बन रहा है क्या? कौन सा नहीं बन रहा है, कहाँ परेशानी हो रही है, बोलिए हमसे बात कीजिए, बोलिए क्या दिक्कत है, कहाँ परेशानी? ओ टू एफ टू में। अच्छा एक बात बताओ, सुनो हमारी बात, सुनो सुनो सुनो, इधर हाइड्रोजन तो हमेशा एक बॉन्ड बनाएगा, तो ये तो तय है कि हाइड्रोजन साइड में रहेगा, हाइड्रोजन तो बीच में कभी आ ही नहीं सकता है। तो एक चीज डिसाइड हो गया कि हाइड्रोजन साइड में रहेगा, तो बचा कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोनों बीचे में ना रहेगा, यानी दो ऑक्सीजन को लगातार दिखाइए और दोनों साइड में हाइड्रोजन दिखा दीजिए एक। चलो ठीक है, देखो इधर, इधर देखो, ऑक्सीजन यहां बीच में रहेगा, ऑक्सीजन बीच में रहेगा, फ्लोरीन इसके अगल बगल। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6। और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7। यहां भी 7, यहां भी 7। अब इसका पहले आउटर मोस्ट सेल का ऑक्टेट पूरा होता है, तो ये ऑक्टेट पूरा किया, ये भी ऑक्टेट पूरा किया। अब बताओ ये इस तरह से ऑक्टेट पूरा करेगा? तो इस तरह से ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जहां ऑक्सीजन पर दो दो लोन पेयर होगा और सभी फ्लोरीन पर तीन तीन लोन पेयर होगा। बताइए अब इसमें कोई परेशानी है क्या किसी को? इस तरह से बॉन्ड बनेगा, ये बिल्कुल H2O के जैसा है, H2O के जैसा। वहां पर हाइड्रोजन पर सिर्फ लोन पेयर नहीं था, यहां पर फ्लोरीन पर लोन पेयर है। O2F2 या हाँ सुनो, O2F2 और H2O2 ये दोनों एकदम सेम टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। H2O2 का नाम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और जानिए ये केमिकल होता है एकदम वाटर के जैसा देखने में लगता है। कुछ झोला छाप डॉक्टर जो है ना इसका यूज कान साफ करने में करते हैं H2O2 का, जबकि H2O2 का ज़्यादा यूज कान वगैरह में नहीं करना चाहिए साफ करने के लिए। देखिएगा गांव देहात में जाइएगा, कान में कुछ परेशानी रहेगा तो वहां गांव के जो डॉक्टर होते हैं सीधे कान में वो लिक्विड डालेंगे, कान गुजगुजाते रहेगा, गंदगी तो निकल जाता है लेकिन वो डैमेज करता है अंदर के सेल को। किया था तुम्हारे साथ, हर चीज घटा हुआ है। हाँ सही है, होना ही है। देखिए इधर H2O2 में देखो, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, इधर एक फ्लोरीन दिखा दे। और सुनिए H2O2 में भी एग्जैक्ट सेम बनेगा, बस फ्लोरीन को हटाना है, उसके जगह पर किसको डालना है? हाइड्रोजन को। चलो तो इधर देखो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। यहां भी 6। कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7, यहां भी 7। अच्छा यदि हाइड्रोजन होता तब यहां पर एक ही ना दिखाते? तो बताइए पहले आउटर मोस्ट सेल का पूरा कर दीजिए ऑक्टेट, बताओ इसका फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हुआ, इसका भी पूरा हुआ। हाँ देखो अब यहां पर हो सकता है कि तुम उलझ जाओ, ये ऑक्सीजन अभी केवल एक ही फ्लोरीन के साथ ना शेयरिंग किया है, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग केवल एक के साथ हुआ तो अभी तो एक ही ना बॉन्ड बना पाएगा। तो ये ऑक्सीजन करेगा क्या करेगा, ये एक इसके साथ शेयरिंग कर देगा और एक इस ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग कर देगा, और ये ऑक्सीजन भी एक इस ऑक्सीजन के साथ और एक इस फ्लोरीन के साथ शेयरिंग कर देगा। अब थोड़ा ध्यान से देख लीजिए सब का ऑक्टेट पूरा है, अब चेक कर लीजिए गिन के। इस तरह से फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ऐसे भी ऐसे देखो इसको हम कैसे सोचते हैं ये तुमको बताते हैं। ऑक्सीजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? तो देखो तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाया, तो यहां भी और यहां भी। फ्लोरीन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? एक। कितना बनाया? इधर भी एक, इधर भी एक। तो तय है कि ऑक्सीजन दोनों बीच में रहेगा, दोनों तरफ से एक एक बॉन्ड बनेगा तभी ये बनना पॉसिबल है। हाँ यहाँ यदि लोन पेयर दिखाएं तो दो लोन पेयर यहाँ होगा, दो लोन पेयर यहाँ होगा, और फ्लोरीन पर तीन लोन पेयर होगा। हाँ या ना, इस तरह से इसको बनाएं। हाँ टोटल दस, टोटल लिखने का जरूरत नहीं, बस दिखाते जाइए। और यदि आप इस लोन पेयर को नहीं भी दिखाते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं, तो भी सही माना जाएगा, सही ही है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि लोन पेयर आप दिखाए नहीं तो लोन पेयर है नहीं, दिखाए नहीं तो भी लोन पेयर है वहां। अब तो H2O2 का खुद से खींच लो, उसमें कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन हटाइए लोन पेयर हटा दीजिए, यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा, बात खत्म। उतारिए जल्दी, जब जब होमवर्क देंगे बना के नहीं लाओगे पीटेंगे, इसलिए आगे से एक्टिव रहना, कुछ लोगों को तो ज्यादा पीटेंगे। चलिए अगला एग्जांपल बनाइए। तो COCl2, बनाइए स्ट्रक्चर, बनाइए तो इसका COCl2 का। अरे अरे COCl2 में C भी कैपिटल है और O भी कैपिटल है। देखिए यदि आप ऐसे लिख देते हैं COCl2 तो यहां पर CO कोबाल्ट को इंडिकेट करने लगता है, फिर ये आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। क्या बना? इसको सेंटर में रखें। अच्छा काम कीजिए, COCl2 दिया हुआ है, आप उसको बनाइए, ठीक है, और अगला एग्जांपल और बनाइए C2H6, और हम कॉपी चेक कर लें कि कितना लोग उस काम को कर पाए हैं। COCl2 ये हम देखेंगे कि आप क्या काम किए हैं, और C2H6 का स्ट्रक्चर बनाइए तो खुद से। देखो किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने से पहले ना दिमाग में एक प्लानिंग करना पड़ता है कि स्ट्रक्चर का कि कैसे कैसे होना चाहिए, कौन कितना बॉन्ड बनाएगा, उसके हिसाब से उसका अरेंजमेंट करना होता है। और यदि आप ये करने में सक्षम है तभी बनेगा, नहीं तो परेशानी होगी। देखो अब यहां से क्या होगा कि कार्बन तो क्लोरीन एक बॉन्ड पूरा कर लेगा, ऑक्सीजन दो बॉन्ड पूरा कर लेगा, लेकिन कार्बन का चार बॉन्ड पूरा नहीं होगा। कार्बन को सेंटर में रखना है, C2H6 आ रहा
ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बनाएगा, कभी भी 6 बॉन्ड बनाएगा तो 12 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा, ऑक्टेट टूट जाएगा ना। ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन दिखाए ऑक्सीजन में, होता कितना है दिखाए, कितना होता है 4 दिखाए, होता है 6 दिखाए 4, गलत हो गया ना। देखो नहीं बने तो परेशान नहीं होना है, लेकिन सीखने वाली टेंडेंसी आपकी होनी चाहिए। अरे बॉस देखें कॉपी, तो कुछ हो घेर दिया, नहीं रे गलत घेरा हुआ है। ये चश्मा तुम्हारा है क्या, ये किसका है, ये किसका चश्मा है तुम्हारा, बड़ा बड़ा रंगीन मिजाज आदमी लगते हो। देखो गिरेगा, ये यहां से पास करता, लेकिन ये 2, 2, 4, 2, 6 एक साथ इन हो गया, ये यहां से लेके आएगा तब ना। लड़का है इतना लगता है, बहुत थोड़े हैं जो खा जाएंगे। चलिए देखिए सबसे पहले COCl2, कार्बन बीच में रहेगा, ऑक्सीजन क्लोरीन क्लोरीन। आप ऐसे समझो, सुनिए इधर, इस अरेंजमेंट को समझ लीजिए आप, इस जब तक आप इस अरेंजमेंट को नहीं समझिएगा ना आपसे नहीं बनेगा क्वेश्चन। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4। और थोड़ा सोचो, तुम भी सोचो कि ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा 2, क्लोरीन बॉन्ड बनाएगा 1, तो 2 क्लोरीन मिलके 2 बॉन्ड और 1 ऑक्सीजन मिलके 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। इसका मतलब है कि कार्बन इस चारों के साथ जुड़ेगा तभी ना बॉन्ड का फॉर्मेशन प्रॉपर हो सकता है। और यदि गलती से आप ऐसा कर दिए, ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा किए हो। अब इसमें क्या, अरे बोला सुनो इधर, इस अरेंजमेंट में क्या गड़बड़ी है आप उस गड़बड़ी को समझिए। देखो इसका ये एक बॉन्ड बनाता है बन जाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है बन जाएगा इधर से, लेकिन कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है ना, कार्बन का क्या इसी स्थिति में 4 बॉन्ड बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है, यहां पर बनेगा डबल बॉन्ड, यहां पर बनेगा सिंगल। और यदि आप पूरा डिटेल दिखाना चाहते हैं, चलो इसको हम पूरा दोनों को दिखा देते हैं, तो यहाँ 2 और यहाँ 1-1 का कॉम्बिनेशन रखेंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट पूरा करवा दो, इसका ऑक्टेट पूरा करवा दो, इसका ऑक्टेट पूरा करवा दो। इस कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लिया, 1-1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लिया, तो ये कार्बन भी दोनों क्लोरीन का 1-1 और ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड पूरा करेगा। तो कैसे बॉन्ड बनेगा, कुछ इस तरह से,
और यहाँ या ना, यहाँ बन जाएगा डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल बॉन्ड बन जाएगा ऐसा, डी डबल बॉन्ड ओ सी एल, हो गया बन गया। अब लोन पेयर हर बार दिखाते हम नहीं रहेंगे, बात खत्म है। समझ में आया कैसे बॉन्ड बनेगा? दूसरा स्ट्रक्चर है पी एच टू एच सिक्स। अच्छा एक बात सोचो, सुनो इधर हमारी तरफ देखो, ये स्ट्रक्चर उतना भारी नहीं था जितना आप इसको बना दिए। हाइड्रोजन के बारे में तो ये तय है कि वो बेचारा टाइप का एटम है, हमेशा केवल कितना बॉन्ड बनाएगा, हमेशा केवल एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो ये तय है कि ये कभी भी बीच में रहने वाला नहीं है। अच्छा कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है, चार। तो जब आप इसका अरेंजमेंट कर रहे होंगे तो वो अरेंजमेंट के बारे में आप क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, आप इसको देखिए। हम दो कार्बन लेते हैं और दो कार्बन लेकर हाइड्रोजन को अरेंज करने का प्रयास करते हैं, बीच में तो कहीं डालेंगे नहीं, बीच में डालेंगे तो बीच में वो आएगा कहां से, आजू बाजू में ही आएगा। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन मान लो डाल दिए, सुनिएगा इधर। अब यदि हम एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां डाल दें तो ये पॉसिबल है कि ये कार्बन इस तीनों कार्बन के, तीनों हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दे, तो कार्बन का तीन बॉन्ड पूरा हो जाएगा और हाइड्रोजन सबका एक एक पूरा हो जाएगा। और यदि ये कार्बन इससे जुड़ गया तो बताओ इसका चौथा बॉन्ड भी ना पूरा हो जाएगा और सब एटम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। तो निश्चित है कि यहां पर सिंगल बॉन्ड बनेगा, हर जगह सिंगल बॉन्ड बनेगा जहां पर दो कार्बन एटम आपस में जुड़ा हुआ होगा और इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। यदि आप इसको डॉट स्ट्रक्चर में बनाना चाहते हैं तो ये थोड़ा लेंदी काम है, लेकिन चलो फिर भी हम कर देते हैं। कार्बन कार्बन, देखो इसी बोलने के फेड़ा में पिछला बैच में पिटाई लगा है तो प्लीज शांत हो जाओ। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक, तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना आप दिखा दीजिए, यहां भी एक, यहां भी एक, यहां भी एक, यहां भी, ये सब खाली हम किसमें दिखाए, हाइड्रोजन का। अब दिखा दो किसका, कार्बन का। कार्बन में कितना होता है, चार, एक दो तीन चार, यहां भी एक दो तीन। अब सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल का ऑक्टेट पूरा करना होता है, तो इसका ऑक्टेट क्या, ये तो डुएट पूरा करेगा, तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन, मतलब शेयरिंग में इन्वॉल्व करेगा, ये इसके साथ शेयरिंग में इन्वॉल्व करेगा, सब सराउंडिंग एटम का शेयर करवा दो। अच्छा अब आप एक बात बताइए कि इधर से इधर ही यदि जोड़ के चल गए तो पता चला कि आधा 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 कंपाउंड टूट गया, क्योंकि सबको जोड़ के ना दिखाना। अब आप देखिए कि इस कार्बन का तीन हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लिया था, तो ये कार्बन भी तीनों हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ऐसी स्थिति में यहां तक घेरने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन गिनिए, इस ग्रीन वाले में कितना हुआ, दो, दो चार, दो छः, एक सात। यदि इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करवा दे तो एट हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तो शेयर कर देगा, तो ये यहां से आगे बढ़ेगा इसमें, और बिल्कुल इसी तरीके से एग्जैक्ट सेम काम करेगा कौन, ये वाला कार्बन, बोलिए ऐसे ही बॉन्ड बनेगा। तो कार्बन, अब देखिए बॉन्ड हम कैसे बना रहे हैं सो देखिए, हम क्या करेंगे, अब कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल, यहां कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल, यहां पर 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 सिंगल, क्या कोई छूटा क्या? अब आप ध्यान से देखिए ऐसा बॉन्ड बना है, इसी को हम कहते हैं CH3CH3 या C2H6, यही इथेन के नाम से जाना जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा तो इसके नाम वगैरह को बताया जाएगा। आज दो स्ट्रक्चर और बनाएंगे तब छुट्टी होगा, कोई चोची आएगा नहीं, C2H4 और C2H2। कल फिर क्लास में एक एक्सपेरिमेंट होगा इस पर, C2H2 पर, क्या इथिलीन है, ये इथिलीन का फॉर्मेशन कराएंगे। वहां से वो स्विच दोनों ऑन करो, तो नीचे वाला दोनों स्विच ऑन कर दीजिए, तो
C2H4, दोनों कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन को दिखाइए C2H4 में, अंतर बस ये होगा यहां पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, और C2H2 में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। आप इसको घर पर ट्राई कीजिएगा, ऐसा बनेगा, पहला स्ट्रक्चर ये बनेगा, इसको हम लोग इथीन कहते हैं, और दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। एक्सपेरिमेंट करें या छोड़ दें? कल हम अब अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं, अभी बहुत सारा बात इसमें है, लेकिन अब धीरे धीरे एक्सेप्शनल और हार्ड हो जाएगा ये, तो पहले अब कोवेलेंट के बारे में कुछ और बात जान लें, फिर अगले स्ट्रक्चर पर काम करें, आगे का काम होगा कल। आइए कल एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें भी कुछ ज्यादा नहीं, दो दो से तीन मिनट लगेगा।